शीतल, शीतल आई जी। मैं इतनी देर से गला फाड़ रहा हूं तो सुनाई नहीं आ रहा। जी वो मैं कपड़ों की तह लगा रही थी, पर तुझे पता नहीं है मैं कितने बजे ड्यूटी जाता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। आप तो 10 बजे जाते हो ना जी। अगर तू कल से टाइम से खड़ी ना हुई ना तो जान से मार दूंगा। अरे बेटा इसे मारने का कोई फायदा नहीं है, देख बेटा पिट पिट के कितनी बेशरम हो चुकी है, सूरज कहाँ तक आ गया और अभी तक चाय नहीं बनाई है इसने। पर माँ जी मैंने तो ठीक 7 बजे आपको चाय दी थी ना, फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा मेरी माँ को झूठा बता रही है? नहीं जी मैं कोई झूठ नहीं बोल रही और न मैं माँ जी को झूठा बता रही हूँ। अच्छा मुझे झूठा बना रही है? ओए सुन, अगर आगे से मैंने तेरी कोई भी शिकायत सुन ली ना तो निकाल कर तुझे घर से बाहर खड़ी कर दूंगा। ठीक है जी, मैं आज के बाद पूरी कोशिश करूंगी माँ जी को खुश रखने की। जब मेरा बैग लेकर, मुझे देर हो रही है। बताओ कितनी ढील दे रखी है इनने, सुबह माँ को चाय बना के नहीं दी और मैं सुबह बुला रहा हूँ तो मेरे कहने से आ नहीं रही। मेरा बच्चा लेना इसे जान से मार दूं। बताओ मेरी माँ कोई झूठा बता रही है? लो जी आज तो तुझे मैंने छोड़ दिया, आज के बाद सच बता रहा हूँ कोई भी शिकायत मुझे मिल गई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ध्यान रखूंगी। अब मैं शाम को आऊँ ना, खाना बना हुआ मिलना चाहिए। ठीक है। मैं तो हर काम टाइम पे करती हूँ और सबका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, फिर भी पता नहीं माँ जी मुझे ऐसे क्यों ताने मारती रहती है। अरे क्या रो रही है? पूरा घर सर पे उठा रखा है तूने रो रो के, तेरे पियर में कोई मर गया है क्या? माँ जी ये आप क्या बोल रहे हो, आपको तो अच्छे से पता है ना कि मेरे पियर में तो सिर्फ मेरे पिताजी हैं और कोई भी नहीं, और आप उनके लिए भी ऐसे बोल रहे हो। तेरा बाप मर भी जाएगा ना तो हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, तेरे बाप ने 2 रुपए भी नहीं दिए हैं दहेज में। माँ जी आपको तो पहले ही पता था ना कि हम लोग गरीब हैं, और मेरे पिताजी ने तो साफ साफ मना कर दिया था ना कि हम कुछ नहीं दे पाएंगे, तो जब आपको सब कुछ पता था तो आपने क्यों की अपने बेटे की शादी मुझसे? इस मुंह को ना बंद कर ले, मसल दूंगी, चल जाके बर्तन साफ कर। हे भगवान इस विकारन की मेरे घर से राड कब कटेगी। देखती हूँ जाके ऊपर कुछ काम कर रही है नहीं कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं बैठ गई हो जाके ऊपर। ओए जल्दी जल्दी हाथ चला दे, मेहंदी लगी तेरे हाथों में, और भी काम पड़े हैं बता रहे। ए महारानी फोन चला रही है, बर्तन धुल दिए? सारे घर में ढूंढ के आ गई तुझे मैं। बाजी मैं तो यहीं पे थी और बर्तन तो मैंने साफ कर दिए। जाके कपड़े धो ले। ठीक है बाजी। ए महारानी कपड़े धुल गए? हाँ माँ जी कपड़े तो धुल गए, बस ये कपड़े निकाल के मशीन साफ कर दूंगी। और ये क्या है अभी, ये भी धो कपड़े। Thank you.
अच्छा ज्यादा जुबान चला रही है तू, जल्दी से कपड़े दो फिर झाड़ू पोछा कर, नहीं तो तेरी मुंडी इसी में रगड़ लूंगी। अरे शीतल से बात कर लो, बहुत दिन हो गए बात भी नहीं करी अपनी बेटी से। पता नहीं, मैं सारा काम तो करती हूँ फिर भी माँ जी पता नहीं मुझ पे क्यों गुस्सा करती रहती है। आखिर ऐसा क्या करूं कि इनको शिकायत का मौका ना मिले। हेलो पापा। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है तू? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटी, पर तेरी आवाज से लग रहा कि तू ठीक नहीं है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा जब तू एक साल की ना, जब से लेकर अब तक तेरी आवाज को पहचानता हूँ मैं, आज तो कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी बताना क्या बात है? हैं? बता तो क्या बात है। नहीं पापा, आप क्यों चिंता कर रहे हो, और वैसे भी मुझे कोई दिक्कत होगी तो क्या मैं आपसे छुपाऊंगी? चल बेटी जब तू कह रही है तो मैं मान लेता हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि तू ठीक है। आज मुझे मेरी बेटी परेशान से लग रही है। चल एक काम करता हूँ, पहले घर चल के देखता हूँ। किससे बात कर रही है? वो माँ जी पापा का फोन था। पापा का फोन था या किसी यार का था? माँ जी आप कहने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि आप क्या कह रही हो। अच्छा सच बोल दी तो तेरे आगे रख दी, आ जान दे आ जा मुझको। भगवान आप ही मेरे से किस जन्म का बदला ले रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। किसी को बता भी नहीं सकती, अगर मैंने पापा को बताया तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। बेटा पापा आप बेटा, आप कब आए? बेटा भी आया हूँ, हाथ में क्या हो रहा, हाथ क्या छुपा दिया, उछाल ले क्या? नहीं पापा कुछ नहीं, वो बस ऐसे आप परेशान बतो। जिसकी बेटी इतने बड़े घर में आके भी परेशान हो तो बाप कहाँ सुखे रह सकता है। बेटा बेटा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया इसलिए मैं यहाँ। पापा आप परेशान मत हो, अब बेकार का परेशान हो रहे हैं। अब बेटा परेशानी में तो सारी बात ही, अब बता जिसकी औलाद दुखी तो उसका बाप दुखी। पापा काम तो करना पड़ेगा ना, अब बिना काम करे तो कुछ नहीं हो सकता। चल बेटा अब घर चल, मुझसे देखा नहीं जा रहा ऐसे। कैसी बातें कर रहे हो पापा जी, ये तो आप ही के दिए हुए संस्कार है ना। किसी इस घर में एक लड़की की शादी होती है, वो लड़की ऐसे ही नहीं जाती, उस घर से उसकी अर्थी ही जाती है, तो फिर आप मुझे ये बातें कैसे बोल सकते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? हाँ बेटा मैंने ही संस्कार दिए, पर लेकिन संस्कार उस घर में अच्छे लगते हैं जहाँ इंसानों वाले सलूक किए जाते हैं, यहाँ तो जानवर से भी बदतर हो रही है। पापा शायद ये सब मेरी तकदीर में लिखा था, आपने तो अच्छा घर देख के ही मेरा ब्याह रचाया था ना, तो मैं अपनी किस्मत से तो दूर नहीं भाग सकती ना। तकदीर तो बेटा कर्मों से बनाई जाती है, पर मेरी बेटी के ऐसे कर्म नहीं है जो देख रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल निश्चित सही है, आप देखना मुझे पूरा विश्वास है मैं इन लोगों को इतना प्यार दूंगी ना
और इतना मन चढ़ जाऊंगी इनके कि एक दिन इनको खुशी खुशी मुझे अपनाना ही पड़ेगा। आपको विश्वास है ना मुझ पे? हाँ बेटा, मुझे विश्वास है। अरे शीतल, तुम्हारे पापा? अरे मैं इतना भी भूल गया क्या? शीतल का तो वही हूँ, तेरा भी पापा हूँ। ये सारे संस्कार खोल दिए बेटा। ओ शीतल के पापा, बात बाद में कर लियो, और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। ठीक कहा बहन जी, किसी और भी काम है, लेकिन एक बात पूछ सकता हूँ मैं तुमसे? हाँ पूछो। जो बताओ, मेरी बेटी के साथ आप कर रहे हो, अगर कोई आपके साथ करे तो कैसा लगेगा आप? अरे पापा, कैसी बात कर रहे हो तुम? एक गरीब आदमी में एक अमीर आदमी में कुछ न कुछ तो फर्क होता है ना। अमित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कम से कम पापा को तो बख्श दो ना, उनको तो ये सब मत बोलो। तेरे पापा है तो हम क्या करें? जाने दो पापा, आओ आप बैठो। बैठो। और तुम ठीक हो बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। देख अमित, इस शीतल की बच्ची को घर से बाहर निकाल दे। माँ, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं इसका इंतजाम ना बहुत जल्दी करने वाला हूँ। बेटा इस काम को जल्दी ना एक दो दिन में करवा दे, और इसका मर्डर करवा दे। माँ तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी, जब तक तेरा बेटा जिंदा है ना कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा तुझे। मर्डर इसका ऐसी जगह करवा दूंगा इसकी लाश भी पता नहीं चलेगी कहाँ है। ठीक है, जल्दी से जल्दी करूंगा इस काम को। बेटा एक रिश्ता मेरे पास आया है 50 लाख का, और मैंने पंडित जी से बात कर लिया, तेरा रिश्ता बढ़िया करवाऊंगी मैं। क्या कहा माँ, 50 लाख का रिश्ता? हाँ, तू जल्दी जल्दी इसकी राड़ कटवा दे। ठीक है माँ, मैं जल्दी से जल्दी ना इसकी राड़ ही कटवाता हूँ पहले। हाँ बेटा, मेरा ब्याह तुम कहीं और करते ना। ठीक है माँ, तुमने तो मुझे बात अब यूँ बताई है, अब तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस काम को तो मैं चुटकियों में करता हूँ। अब देखो तुम अपने बेटे का कमाल। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। पापा ये सब बातें आप छोड़ो, आप ये सब बताओ कि आप अपना ख्याल तो रखते हो ना? हाँ बेटा, मैं तो अपना ख्याल रखता हूँ। पापा एक बात बोलूं? जी बेटा। मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अमित और माँ जी आपको जैसा जैसा बोल रहे हैं ना, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं आपको और परेशान होते हुए नहीं देख सकती। आप जितना यहाँ पे रहोगे और मुझे देखते रहोगे ना, तो आप उतना दुखी होगे। और मेरा क्या है, मुझे तो आदत हो गई है। देख बेटा, मैं तो जा रहा हूँ, पर लेकिन अपनी ओर से कोई गलती मत ना करिए, सबका दिल जीत कर रखिए, ठीक है ना? अगर ये फिर भी तेरे गैर कोई बस सलूक पर है, तो तेरे बाप के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले। ठीक है पापा। ठीक है बेटा, जब मैं चलता हूँ तो बेटा दान ख्याल रखिए अपना। हे भगवान, आज ये क्या हो गया, मेरे पापा पहली बार घर आए और उन्हें मैं पानी तक भी नहीं पिला पाई। पानी तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों ने तो ठीक से बात तक भी नहीं की। उनका मन कितना दुखी हो रहा होगा, पर मैं घर पे कह सकती हूँ। पता नहीं अमित भी ना कहाँ रह गए, टाइम भी इतना हो गया। अगर मैं मम्मी को बोलूं तो मम्मी आराम कर रही है, उन्हें उठाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाके बुला के ले आती हूँ उनको। ठीक है। संदीप भाई 10 दिन हो गए, कोई मुद्दा नजर ना आ रहा यार। तू टेंशन ना ले, कोई ना कोई तो आएगा ही। हाँ यार भाई, बहुत दिन हो गए, खर्चा पानी ना निकल लो यार भाई। तू क्यों टेंशन ले रहा संदीप के होते हुए, कोई ना कोई मुद्दा तो आएगा ही। अरे संदीप, क्या मुद्दे उद्दे ढूंढ रहे हो, क्या बात हो गई? अरे यार खर्चा पानी नहीं चल रहा इस टाइम, और कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा ये चल रहा है। अरे संदीप, खर्चा पानी तो मैं अपने आप निकलवा दूंगा, पर तुम्हें एक मेरे एक काम करना पड़ेगा। अरे तेरे लिए किसी काम की मना है क्या, तू बस बता। अरे बता तो दूंगा, पर कर भी दोगे मेरा काम या ना करोगे? अरे करने को किसी का मर्डर करवाना है तुझे? अरे हाँ यार, मुझे बहू का मर्डर करवाना अपनी, कर दोगे क्या? यही तो काम है हमारा भाई, तू बता तो सही, तेरे लिए मर्डर भी कर देंगे हम।
बस भाई ठीक है, तो बस तुम्हें मेरी बहू का मर्डर करना और पैसे जो तुम मुंह से मांगोगे उतने पैसे दे दूंगा। अरे हमें तुझसे कोई पैसों की बात करी है, तू अपने आप दे दिए जो दे। यही है, यही है, मारो उसे। कहाँ गई है? तो बकरी अमित भाई तुम घर को जाओ, हम अपने आप देख लेंगे। ठीक है। पता ना भाई इधर को चली गई है। कोई नहीं भाई, आज नहीं तो कल हाथ तो आएगी। हाँ भाई तू सही कह रहा है, कभी और देखेंगे, अब घर चल ले। चल बेटा रो मत, बात बता बात क्या है। अभी तेरा बाप जिंदा है, क्यों घबरा रही है? चुप हो बेटा, बात तो बता क्या हो, चुप हो, बिल्कुल चुप हो। मैं वहां नहीं जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, अपने घर है तू, पर बात तो बता क्या हुआ। मैं यहीं पे रहूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरा घर है, पर बात तो बता बेटा क्या हुआ। अमित तेरी ख्याल नहीं है। नहीं, छोड़ दो बेटा, तू छोड़ छोड़, तू मुझे आज इसको मैं देख लूंगा। छोड़ पापा, आप कहीं नहीं जाओगे, छोड़ो इसे। पापा आप नहीं जानते वो बहुत खतरनाक लोग हैं, और मेरा तो इस दुनिया में आप ही हो ना, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। आपको नहीं जाने दूंगी। बेटा तू आज मुझे मत ना रो, तुझे अपने बाप पे भरोसा ना, तो बस छोड़ दे मुझे, बस आज तू जान दे मुझे बस। पापा लेकिन नहीं, फिर लोगों ने अगर पापा को कुछ कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अमित दिनेश नहीं आया अब तक, कब आएगा? माँ बस वो ये कह रहे थे 10:30 बजे तक आ जाऊंगा, आने वाले हैं। अच्छा। अरे अमित तूने मैं बुलाया था भाई। लो आ गए, बैठो। आ गया भाई, बता। और दिनेश जी वो 50 लाख कब दिलवा रहे हो? 50 लाख? हाँ। कौन से 50 लाख? क्या तुमने अमित के रिश्ते की बात नहीं की थी? अच्छा वो रिश्ता, तो तुमने भी तो अमित कुवारा बताया था। अरे वो अमित की बहू को तो हमने घर से बाहर निकाल दिया था। वाह क्या बात है, कल को जो मैं रिश्ता कराऊंगा तो तुम तो उसे भी घर से बाहर निकाल दोगे। माँ मुझे तो ऐसा लगा कि रिश्ता फेल होता दिख है। मैं बात तो कर रही हूँ। अरे क्या घुसर घुसर कर रहे हो आपस में, तुम लोग किसी की बेटी की इज्जत करना नहीं जानते, तुम्हें तो सिर्फ पैसों की भूख है पैसों की। अरे सुन तो वो दिनेश जी, उसमें से 5 लाख में तुम्हें भी दे दूंगी। हाँ हाँ दिनेश जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें वो रिश्ता कराओ तो सही, तुम्हारे 5 लाख में पक्के। माँ ना बेटा भी ठीक ही कह रहा है, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं कराना ऐसा रिश्ता। माँ अब क्या होगा? अब क्या बताऊं बेटा, एक ये रिश्ता आया था ये भी टूट गया, अब पता नहीं क्या होगा। अब ये हो पापा, पापा 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 आप पापा दिखाई दे रहा था। भाई साहब भाई साहब आप बैठो तो सही। हाँ बैठूंगा, अभी पहले हिसाब किताब तो पूरा कर लूं। अरे भाई साहब हिसाब किताब तो बाद में होता रहेगा, आप बैठो तो सही, थक गए होंगे आप, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। तू
तू नाश्ता कराएगी मुझे? तेरे पे अपनी बहू को तो दो वक्त की रोटी दी ना जाती। आई नाश्ता कराने वाली, नाश्ता कराऊंगी नाश्ता। पापा आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? गलत फहमी मैं बताऊंगा तुझे। पापा नहीं नहीं, अमित को कुछ मत कहो ना, मम्मी को कुछ कहो, माफ कर दो इन्हें। माफी? माफी लायक है इसे? तू ही बता, तेरी गैर कितना बुरा करा है। नहीं पापा कोई बात नहीं, आखिर है तो ये मेरा ससुराल ही ना, और ये मेरे अपने ही तो है ना, कोई गैर नहीं है, और गलती अपनों से होती है, तो उन्हें समझाया जाता है प्यार से। पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं कभी भी किसी चीज की आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे माफी मुझसे क्या मांग रहे, माफी उससे मांग जो तुम्हें अभी बचा दी। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी तेरे से, माफ कर दे बेटी मुझे। नहीं माँ आप माफी मत मांगो, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं पापा को मना लूंगी। पापा जी अब आप भी गुस्सा थोक दो ना, हो गई गलती, माफ कर दो इनको, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आखिर ये भी तो हमारा ही परिवार है ना। पापा जी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अगर मैं कभी कोई ऐसा काम करूँ ना, बेशक तुम मुझे आके जान से मार देना, पर आज मुझे माफ कर दो। जा बेटा शीतल, अपने पापा के लिए नाश्ता ले आ। बैठो पापा जी। बैठ जा। बेटा अमित मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कल को तुम्हारे भी कोई बेटी होए और उस बेटी को तुम पाल पोस के बड़ा करो, कल को शादी करोगे, फिर वो बेटी एक दिन तुम्हारे घर आए और तुमसे कहे कि पापा मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी ये बताओ बेटा। पापा जी आपने ना मेरी आंखें खोल दी। अरे एक बात बताओ चौधरी, तुम्हारी भी एक बेटी है, अगर कल को उस बेटी को ससुराल वाले परेशान करें और वो तुम्हारे घर पाए तो तुम्हारे दिल पर क्या बीते? आप सही कह रहे हो भाई साहब, अब आगे से कोई गलती नहीं होगी। पापा जी मैं आपसे हाथ छोड़ के कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, अब आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा मैं। ठीक कह रहा है अमित। चल बेटा मैं तो माफ कर रहा हूँ, बस बेटा मेरी एक ही विनती है आपसे, मेरी बेटी दो टाइम की रोटी टाइम से। आप हाथ मत जोड़ो पापा, मैं शीतल को अपने से भी ज्यादा प्यार करूंगा, कभी उसे बिल्कुल भी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं जो तुम्हें बुरा लगे। ठीक है बेटा अमित, अब मैं चलता हूँ, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हारी खूब सेवा करेगा। नहीं पापा अब आप कहीं नहीं जाओगे, वैसे भी तुम वहां अकेले रहते हो, हमारे साथ रहना तुम। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बाप अपनी बेटी के घर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वहीं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे हालचाल बोझना आता रह करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा चौधरी साहब कोई हम गलती हो गई तो हमसे माफ करो। ठीक है पापा। ठीक।